outside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Hey guys, good morning. तो यहाँ पे सुबह के बज चुके 8 और मैं और परी किचन में आके परी लगाने लग गई है बर्तन, क्योंकि परी अभी ये काम करती है, मेरे सारे बर्तन लगा देने का काम परी कर लेती है, इसलिए वो मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया है और मैं अपना काम कर रही थी। तो मैडम देखिए मेरा सारा काम करती है, लेकिन वो क्या करती है, उसको जो सेक्शन में जो जगह मिल रही ना वो उसमें वो डाल देती है। तो अब ये मैडम ने नया कर दिया, यहाँ पे आई ना तब से इसका नया बिजनेस स्टार्ट हो गया ये वाला। तो देखिए जो उसको लगेगा ना वो उसमें डाल देती है, फिर आके जो चाहिए वो निकाल के लेके जाती है। तो रोज़ सुबह बर्तन परी लगाती, जब उसको वहाँ पे जाली में बर्तन मिले परी लगा देने का काम करती है। तो उसको मैं वही बोल रही थी क्या करे, तो मान नहीं रही थी। तो ये देखिए मैं बोल रही थी रुक जा भाई, लेकिन मानती नहीं। लेकिन हाँ, वो ये ध्यान रखती कि खुद की उंगली ना जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में एक दो बार उसकी उंगली गई है इसीलिए। तो यहाँ पे हो गया है मेरा, आज मैंने बनाई है खीर, लंच मेरा बन गया है। और आज अचानक से हमारा मन किया कि खीर बना के खाओ, तो हम सेवई की खीर बनाई, छोले की सब्ज़ी और रोटियां बनाई। और परी मैडम यहाँ पे मस्त गैलरी में खड़ी रहती, उसको भी बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ आते हैं, पंछियों की आवाज़ आते हैं ना, तो उसके साथ मैं ऐसे मस्ती कर रही थी, कुछ बात कर रही थी, तो वो उसको भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो बस ये, और अभी मैं आपको मिलती थोड़ी देर के बाद, अभी घर के थोड़े से काम करने, पानी भी आएगा, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो नए घर से ये मेरा दूसरा ब्लॉग है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं किया। आज है 27 तारीख और आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ। एक्चुअली सुबह से मैंने थोड़ा सा एक दो क्लिप शूट किए बस, बाकी कुछ नहीं किया। अभी तो ब्लॉग स्टार्ट किया है, अभी बज चुके शाम के 4। हम नीचे जाकर आए, थोड़ा काम था इसीलिए, और मुझे आपके साथ कुछ बातें भी शेयर करनी मेरे नए घर के अकॉर्डिंगली, और कुछ चीज़ें भी शेयर करनी है। लेकिन क्या हुआ, पिछले 3-4 दिन से मैंने व्लॉग नहीं किया, क्योंकि ये घर में ना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि पानी की टाँकी साफ करानी थी, फिर घर सेट करना था। तो फिर मैंने सोचा कि पहले सारे काम कर लूँ, डेली रूटीन में आ जाओ, फिर ही व्लॉग करूँ, इसीलिए फिर व्लॉग करना मैंने रहने दिया और पहले काम कर लिया, क्योंकि व्लॉग अपलोड करने के लिए मेरे पास अभी तक इंटरनेट ही नहीं है। तो फिर जब व्लॉग अगर इतने में शूट भी कर लूँ तो डालूंगी कब, आते आते तो पूरा आगे का पूरा महीना चला जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं रुक जाती हूँ 2-4 दिन और काम कर लेती हूँ, क्योंकि इंटरनेट अभी तक नहीं आया है। आज है 27 तारीख और आज जाके पूछा राज ने, आज राज की छुट्टी, तो उन्होंने कहा कि एक दो दिन के बाद आएगा, तो फिर उसके बाद वीडियोज़ आएंगे। और पिछले 3 दिन से मेरे कोई वीडियोज़ नहीं आ रहे, जो अब तक आए ना वो मैंने पहले अपलोड करके रखे थे वो घर में, और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो उसको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे पास इंटरनेट ही नहीं इसीलिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए, तो उनके सारे के आंसर मैं करूँगी नेक्स्ट वीडियो में शायद, तो मैं आपको वो भी बता दूँगी, जब मेरा इंटरनेट आएगा ना उसका हो सके तो मैं रिप्लाई कर दूँगी या हार्ट दे दूँगी, और फिर जो भी आपके क्वेश्चन है ना उन सबका एक वीडियो बना के उसमें आंसर कर दूँगी। और एक बार मुझे आप सबको थैंक यू बोलना है, क्योंकि आपने मुझे मेरे बर्थडे के दिन बहुत अच्छी अच्छी विशेष भेजी थी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी एक सब्सक्राइबर है साक्षी साड़वे, मेरी सबसे पहली सब्सक्राइबर, उसने तो मुझे रात को 10 बजे मैसेज कर दिया था, इन एडवांस ही विश कर दिया था। तो थैंक यू सो मच, आपने याद रखी मुझे बर्थडे की, इतनी अच्छी अच्छी प्यारे प्यारी विशेष भेजी, इसलिए थैंक यू सो मच। अभी बज चुके शाम के 4, अभी आप मैंने रखी है चाय और परी के लिए सारे लाए, क्योंकि परी सोई थी, उठने के बाद वो कुछ खाने रही थी, फिर उसको ऐसे हम नीचे लेकर गए थे, कुछ चल रहा है और वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी, सारे सीक्रेट्स अभी नहीं खोलूंगी, क्योंकि अभी कुछ हम बड़ा करने का सोच रहे हैं, बहुत छोटा छोटा कर लिया लाइफ में, हम बहुत मेहनत करते हैं, अभी कुछ बड़ा करने का टाइम आया है, या फिर क्या बोलते हैं ना, स्टार्टअप हो गया है। और वो जब बड़ा होगा सो होगा, जब होगा तो होगा, लेकिन हाँ स्टार्टिंग तो हम अभी से कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए बहुत तुरंत नहीं होती, उसके लिए बहुत टाइम जाता है, 2-4 महीने, 6 महीने, 1-1.5 साल भी चला जाता है, तो उसके लिए भी जाएगा हमें पता है। पर हाँ, हमने उसकी प्रोसेस स्टार्ट कर दी, प्रोसेस मीन्स कि हमारी तरफ से जो भी हमें करना है वो स्टार्ट कर दिया है, तो उसी काम से थोड़ा बाहर गए थे, क्या वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है।
और घर थोड़ा बहुत सेट कर दिया जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे जो ओनर है ना, उन्होंने हमें पहले ही बता दिया है कि आप ज़्यादा खिलबिल मत ठोकिए, हो सके उतनी दीवार ख़राब मत कीजिए, बहुत अच्छे से मेंटेन घर, मतलब उन्होंने कहा ना, हम आने से पहले उन्होंने घर बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके दिया था हमें, कलर वगैरह करके। तो उन्होंने कहा है कि कलर वलर कुछ भी ख़राब नहीं की मत कीजिए। और हमने भी सोचा कि रेंट का अपार्टमेंट नहीं क्यों ख़राब करके जाए, और इसीलिए हमने नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ और प्लान किया है। पर हाँ, इस ईयर तो ये सोचा है कि हम ये दीवारें ख़राब नहीं करेंगे, ना ही कोई स्टिकर लगाएंगे। वैसे मैंने सोचा था हम स्टिकर्स वगैरह लगाऊंगी, पर नहीं, क्योंकि ये अपना खुद का घर नहीं है तो उसको क्यों उनके घर ख़राब करें, क्योंकि उनको वो पसंद नहीं आएगा। और हमारे शौक के लिए हम दूसरों का घर के ऊपर ख़राब करें, मतलब किसी एक घर होना, मतलब कितनी जान होती है, वो किसी के हवाले वो करते, भले रेंट पे देते लेकिन वो किसी के हवाले करते, तो उनको भी वहाँ पे धक धुक होती होगी ना, इतनी बड़ी उनकी प्रॉपर्टी वो किसी के हवाले कर रहे, तो हमें उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमने ना सिर्फ देवारा, मतलब ये भगवान का मंदिर, और ये है ना, ये दो ही चीज़ें ठोकी, ये दो और प्यूरीफायर और टीवी, ये चार ही चीज़ें ठोकी। बाकी जो भी है ना, जो यहाँ पे खिले थे ना ऑलरेडी, उसमें बस हमने लगा दिए, जैसे कि एक्स्ट्रा के खिले नहीं ठोके। ये देखिए, पर्दे के पाइप लगाने पड़े इसलिए वो लगाए, लेकिन पर्दे के वो हम निकाल के नहीं लेके जाएंगे, यहीं पे छोड़ेंगे जब हमें जाना होगा। ये खिले ऑलरेडी थे इसलिए हमने वैसे लगा दिए, तो बस वही। और ये मिली हमारी परी मैडम से, ये है हमारी हीरोइन, है ना। तो चलिए, मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, चाय पीनी हमें अभी। चाय, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, कैसे? परी, ए परी, इकड़े रख, तू कर, हाँ, रख, शाम के 6:30 और हम लोग नीचे जाकर आए, नीचे गए थे, मैं पानी पूरी खा कर आई, रात चाय पी कर आए और ऐसे थोड़ा सा घूम कर आए, क्योंकि ज़्यादा घूमना नहीं हो रहा है, मैं अकेली रहती हूँ तो मैं नहीं जाती हूँ। और हमारे बाजू में जो हमारे नेबर्स हैं ना, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी बाद में, कैसे है क्या है वो सब बातें अच्छे से बताऊँगी। और हमारी जो बिल्डिंग है वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। और हाँ, वहाँ पे एक कोना था कि जहाँ पे खड़ी रह के मैं बात करती थी, और हमने घर किस तरह से सेट किया, मेरे होम टूर वगैरह, वो भी मैं आपके जल्दी से शेयर करूँगी। पर के जो फोटोज़ थे ना, वो ऐसे लगाइए कुछ फिलहाल तो ऐसे, तो मेरी जो होम टूर वगैरह है ना, वो मैं जल्दी से आपके शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी मैंने सामान किस तरह से लगाया, वो सब चीज़ें। तो अभी मुझे बनाना है डिनर, डिनर में देखते हैं क्या बनाना है वो। तो परी को आगे बिठा दिया मैंने टीवी लगा कर, आज को उनका थोड़ा सा काम है, तो मैं फटाफट डिनर का प्रिपरेशन करके डिनर बना लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इस ब्लॉग का यहीं पे कर दूँ, आगे डिनर नॉर्मल जो भी हमारा बनेगा वही बनेगा।
तो उससे अच्छा सोच रही हूँ कि ब्लॉग का एंड कर दूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आईब्रो करना और हेयर कटिंग अभी तक रह गई है, बर्थडे हो गया, 1 वीक हो गया लेकिन फिर भी, तो देखते कब होता है वो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।